नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यकांत और आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात में। आज की वीडियो में हम जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रही है डिलीवरी कुरियर कंपनी। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सर्च किया इस कंपनी के बारे में, तो मैंने जितनी भी वीडियोस देखी तो सभी वीडियो में यही बताया जा रहा था कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और उन प्रोडक्ट को आपको डिलीवरी करना है, पर डिलीवरी के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन अलग है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हम लोग ने फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई किया फिर भी कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कहीं कंपनी ने फ्रेंचाइजी देना बंद तो नहीं कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी कभी भी फ्रेंचाइजी देना बंद नहीं करती है। और क्यों वो आपको रिप्लाई नहीं दे रही है और क्या रीजन है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक आप देखते रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिलीवरी कुरियर कंपनी एक पार्टनर प्रोग्राम रन करती है जिसमें आप चार तरीके से उनके साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें नंबर वन पे आता कॉन्सलेशन, दूसरे नंबर पे आता है लास्ट माइल एजेंट, थर्ड नंबर पे आता ड्रॉप एट स्टोर और फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंचाइजी। चलिए अब इन चारों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे नंबर वन पे आता है कॉन्सलेशन। यदि आपके पास में अच्छी खासी स्पेस है और आप कंपनी के साथ में डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। रोजाना आपको कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उन प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको करवानी होगी। इसके लिए आपको कुरियर बॉय भी रखने होंगे। डिलीवरी करने के अलावा आपको प्रोडक्ट पिकअप भी करने पड़ेंगे और कैश ऑन डिलीवरी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कैश पिकअप करके आपको कैश डिपॉजिट भी करना होगा। तो दोस्तों, आप कॉन्स्टेलेशन पार्टनरशिप में जाते हैं तो आपका ये डे टू डे वर्क होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इसके अंदर ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है ड्रॉप एट स्टोर। यदि आपके पास में ऑलरेडी कोई दुकान है और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें कंपनी आपको डेली प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी जो आपको आसपास के एरिया में डिलीवरी करने होंगे, जिसपे आपको पर प्रोडक्ट आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है, मतलब टायर वन सिटीज में अवेलेबल है, टायर टू और टायर थ्री और गांव में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तीसरा है लास्ट माइल एजेंट। यदि आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है और फिर भी आप कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें आपको कंपनी से प्रोडक्ट कलेक्ट करने हैं और उसकी डिलीवरी करनी है, जिसपे आपको पर डिलीवरी आपको कमीशन मिलेगा। इसमें आप फ्रीलांसर के हिसाब से काम करेंगे, इसमें आपको कोई सैलरी नहीं रहेगी, आप जितने प्रोडक्ट को कुरियर करते हैं या डिलीवरी करते हैं उतना ही आपको कमीशन मिलेगा। फोर्थ है फ्रेंचाइजी पार्टनर। इसमें आपको डिलीवरी कुरियर कंपनी के नाम से शॉप लेनी होगी और आपके आसपास में जो लोग भी प्रोडक्ट कुरियर करवाना चाहते हैं तो वो अपना प्रोडक्ट आपके यहाँ पे आके दे देंगे। इसके साथ ही कंपनी वाले आपको एक रेट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। कभी भी कोई कस्टमर जब आपके यहाँ पे प्रोडक्ट कुरियर करवाने आता है तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उनसे पेमेंट कलेक्ट करनी होगी। रोजाना कंपनी की गाड़ी आएगी और कुरियर कलेक्ट करेगी और जहाँ पे भी कस्टमर डिलीवरी करवाना चाहता है वहाँ पे उनका डिलीवरी हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस ऑप्शन में कंपनी आपको कोई भी डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको डिलीवरी कलेक्ट करनी है और कंपनी उसको डिलीवरी करेगी। इस ऑप्शन में कंपनी मेक श्योर करती है कि आपके आसपास में जो भी आईटी पार्क्स होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, स्कूल होती है या फिर बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनके साथ में आपका टाइप करेगी ताकि आपको बल्क में ऑर्डर मिल सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्पेस के बारे में, कौन से ऑप्शन में कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होगी। यदि उससे ज्यादा स्पेस है आपके पास में तो एडेड एडवांटेज होगा। दूसरे ऑप्शन में आपकी दुकान के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी आपकी दुकान बड़ी होगी उतनी डिलीवरी आपको ज्यादा मिलेगी। थर्ड ऑप्शन में आपको स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में आपको मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप शॉप क्राउडेड एरिया में खोलना चाहते हैं तो कम स्पेस में भी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे देगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप ऑलरेडी किसी और दूसरी कुरियर कंपनी के साथ में एज ए डिलीवरी पार्टनर आप काम कर रहे हैं तो आप इनके साथ में भी जुड़ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके पास ऑलरेडी सेटअप रेडी होगा तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना होगा जो अराउंड 2 लाख से 5 लाख के बीच में होगा। ये डिपेंड करेगा लोकेशन के हिसाब से, किसी लोकेशन में ज्यादा और किसी लोकेशन में कम भी हो सकता है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको मिनिमम 15 से 20 लाख की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपको फर्नीचर बनाना होगा, आपको व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, इम्प्लॉई रखने पड़ेंगे और वर्किंग कैपिटल भी आपको रखना पड़ेगा ताकि आप सैलरी और रोजमर्रा के खर्चे उठा पाए। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ ऑप्शन में आपको 50,000 से 2 लाख के बीच में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रिंटर और बारकोड स्कैनर मशीन की भी जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट
करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं एग्रीमेंट के बारे में। कंपनी आपके साथ में लाइफ टाइम का एग्रीमेंट करती है, जिसमें हर साल आपको एग्रीमेंट को रिन्यू करना होगा। यदि आप कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो कंपनी कभी भी आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। फर्स्ट थ्री ऑप्शन में कंपनी की तरफ से पर डिलीवरी के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। इसमें डिपेंड करता है कि क्या साइज का आप प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं। यदि आप छोटा प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं तो मे बी आपको कमीशन कम मिलेगा, बड़े प्रोडक्ट पे कमीशन ज्यादा हो सकता है। यदि आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो कंपनी की तरफ से आपको एक रेट कार्ड मिलेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट ऐड करके आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई प्रोडक्ट का डिलीवरी कॉस्ट आता है 30 रुपया प्लस जीएसटी, जैसे कि आपका अराउंड ये 35 to 36 रुपीज के आसपास में पड़ जाता है। कंपनी की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से कितना भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिलीवरी कुरियर कंपनी के वेबसाइट पे जाना है। अब जब जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं, ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें तीसरा ऑप्शन है पार्टनर, जिसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से अगर आप बड़े लेवल पे डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिलेशन पे सिलेक्ट करना होगा। यदि आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो आपको लास्ट माइल एजेंट सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास में दुकान है और आपको दुकान पे प्रोडक्ट मंगा के उसकी डिलीवरी करनी है तो आप ड्रॉप एट स्टोर पे क्लिक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है फ्रेंचाइजी। यदि आप कंपनी के नाम से शॉप ओपन करना चाहते हैं और प्रोडक्ट कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए आप लास्ट माइल एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको लास्ट माइल एजेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपको थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड इन 3 सिंपल स्टेप, जिसमें पहला है साइन फॉर LMA, दूसरा है सिलेक्ट द प्रेफर्ड लोकेशन, और थर्ड है स्टार्ट डिलीवरिंग एंड सर्विसिंग कस्टमर इन योर टेरिटरी। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि पार्टनर प्रोग्राम दिया हुआ है। आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको आपकी बेसिक डिटेल एंटर करनी है, उसके बाद में आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। आपके डिटेल कंपनी के पास में चले जाएंगे और वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे ऑप्शन को भी आपको सिलेक्ट करना और अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन आपको कैसे वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी की तरफ से आपको रिस्पांस क्यों नहीं मिलता है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि हो सकता है कि कंपनी ने कुछ समय के लिए फ्रेंचाइजी देना रोक दिया हो। इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि कंपनी के अंदर अपग्रेडेशन चल रहा हो या कोई अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसे और भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे ही ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाते हैं तो कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करके फ्रेंचाइजी दे सकती है। दूसरा, हो सकता है कि जिस एरिया में आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो ऑलरेडी वहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी पहले से अवेलेबल हो, तो इस केस में कंपनी आपको फ्रेंचाइजी नहीं देगी और आपको कंपनी की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये कारण भी हो सकता है कि आपकी लोकेशन से किसी और ने भी अप्लाई किया हो। इसमें ये हो सकता है कि मे बी आपका एक्सपीरियंस कम हो और जो दूसरा जिसने अप्लाई किया उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के पास में चॉइस आ जाती है और वो जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा उनको फ्रेंचाइजी पहले देगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।